हरि ओम नमः। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋग्दश्वा मरुतः पृशिन्निमातिराशुभं यावानो यदधेषु जग्मया अग्निजिभ्यामनिवासूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कणे वेशुरूयाम भद्रं पशेमाविजतिरास्त्रेङ्गं तुष्ट्वा गुंसस्तु नु हिरशेमहि देवी तं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा न शक्राधरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत पितिरो भवन्ति मानो मध्यारेरेखता युगन्तयो अदितिर्ध्यो अदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवानि त्वम् ह्यः शान्ति अन्तरिक्षुगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः ब्रह्म शान्ति शामहरिधि शान्ति शान्तिषु शान्तिर्भवतु यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नाशु शान्तिर्भवतु हरि ओं गणनान्तवा गणपतिगङ्गवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपतिगङ्गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगङ्गवामहे वसो मम अहं जानि गर्वधम त्वमजासि गर्वधम्माः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि अतिकशनः ससकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम् ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सचिव पुरंदराभ्याम नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो भ्राणभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सीताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। सुमुखश्चैक दन्तश्चैक कपिलो गज कर्णकः लम्बोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाधक्षो भालचन्द्रो गजानिना द्वादशेतानि नामानि अपटेच्छु यद्यपि विद्यारम्भे विभाय च प्रवेशे निर्गमते सङ्ग्रामे सङ्कटे च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्विघ्नोपशान्ते अभीप्सित्यर्थं सिद्ध्यर्थं यासुरासुरे सर्विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वात् साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायत्नम् हरि तदेव लग्नम् सुदिनम् तदेव तारावलम् चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् देवबलम् तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्ग्रं मे स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दिवर्षां हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजय भूतिर्नितिर्मोतिर्मम् अनयाश चिन्तयन्तो माये जनये प्रपास्ते एषा युक्तानां योगिशमं भ्याम्यं स्मते सकल कल्याणं भाजनं यति जायते पुरुषं तं यं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषु कारम्भकारेषु त्रय श्री भुवनेश्वर देवादि सन्तु सिद्धि ब्रह्मेशाञ्जनाद्रा विश्वेशं माधवं दुंडी दंडी पाणां च भैरवं वंदे काशीं भुवां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ध्यानार्थे अक्षितं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। मेरे कीर्ति करो परिवेश जी कीर्ति करो परिवेश जी मेरे काटो सकल कलेश जी मेरे काटो सकल कलेश जी तेरी जय 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 हो गणेश 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 जी कीर्ति करो परमेश जी मेरे कीर्ति करो
सभी तेरे गुण गावे, दास सभी भगवान की जय। आज तो हिमालय की शोभा अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। कंदरा के निकट बहने वाली देव नदी गंगा कैसे मनोहर प्रतीत होती है। हिमाच्छादित पर्वतों की श्रृंखला और शस्य श्यामल वनों की देखकर हृदय ईश्वर के परम अनुराग में लीन हो रहा है। हे प्रभु, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते में तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रभाव में तेरी कीर्ति का संगीत सुनाई पड़ता है। सृष्टि के कण कण में तेरी अलौकिक शक्ति प्रकट हो रही है। प्रभु, सुंदर समय, मंद सुगंधित वायु, एकांत स्थान और वैराग्य का समागम देखकर ईश्वर के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न हो रहा है। हृदय प्रभु की तपस्या में लीन होने को आतुर हो रहा है। करोड़ों पाद की जिसकी कृपा से भव सागर पार करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही संकट दूर होते हैं, उन्हीं परमेश्वर के शुभ चरणों में मैं समाधि तन लगाता हूं। साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे नूं ताना
हो रहा है, मेरा सिंहासन कैसे डोल रहा है। लगता है कोई तपस्वी यज्ञ कर रहा है। अपने ध्यान द्वारा, अपने ध्यान द्वारा उसे देखता हूं। ज्ञात हुआ महर्षि देवऋषि नारद तपस्या में लीन है। प्रतीत होता है कि उन्हें मेरे सिंहासन की लालसा उत्पन्न हो गई है। इसका उपाय मुझे शीघ्र करना होगा। मैं कामदेव को बुलाता हूं। कामदेव प्रकट हो, प्रकट हो कामदेव। प्रणाम महाराज, मेरे लिए क्या क्या है? कामदेव, महर्षि नारद मेरा सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में लीन है। जिस भी तरीके से हो, रंभा संभा को अपने साथ ले जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। गति देख सुरेश डराना मुनि, मुनि गति देख सुरेश डराना, आवई बोल के न सहित सहाय जाऊ मन रे तू, सहित सहाय जाई मन रे तू, चले हरसिए जल चर के तू, चले हरसिए जल चर के। यहां कर रहे नारद की तपस्या। ठीक रंभा, अपना नृत्य प्रस्तुत करो और नारद जी का भंग करो। जैसी आज्ञा प्रभु।
बहुविध की रही पानी पतंगा देख सहाय काम कला कछु मुनई न व्यापी तिज भेडर मनोभव आज स्वर्ग की देवांगनाओं का सौंदर्य और श्रुपति इंद्र का प्रयत्न भी नारद मुनि के तप को खंडित ना कर सका। अच्छा, अब मैं पुष्प बाण चलाता हूं। आज मैंने अपना मायावी पुष्प बाण भी चला दिया, किंतु नारद जी का तप भंग नहीं कर सका। मैंने नारद जी के पवित्र तप की अवमानना करके महापाप किया है। मैं अहंकार के वश में होकर मत ये ना समझ सका कि लक्ष्मीपति श्री नारायण के भक्तों के तप में भला कौन विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मैंने अज्ञानता बस ऐसा अपराध किया है। हे महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन? कामदेव, कहो क्या बात है, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? हे मुनि, आपकी घोर तपस्या देखकर देवाधिपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने की आशंका से शोक में डूब गए। तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं आपका तप भंग कर दूं। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, ऋषिजन निस्वार्थ भावना से तपस्या करते हैं, संसार की संपदाओं और वैभव से उनका क्या प्रयोजन? मैं तो प्रभु के अनुराग में समाधि लगाए बैठा था। इंद्र का आसन प्राप्त करना मेरी तपस्या का उद्देश्य नहीं है। जाओ, तुम जाकर के इंद्र को समझा दो कि मुझे उसके सिंहासन से कोई लेना देना नहीं है। जैसी आज्ञा। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामना का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिक्षुक और महर्षि नारद से युद्ध का इच्छुक स्वार्थी कामदेव, तू क्या मुझे भी कोई सांसारिक साधारण मनुष्य समझता है जो मेरी तपस्या भंग करने की मुक्ता कर बैठा? मुझ जैसे महातपस्वी के तप की खंडित करने की शक्ति साहस तो किसी दिग्गज देवगणों में भी नहीं है। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपनी मायावी शक्ति से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, किंतु मेरी तपोशक्ति के समस्त बेचारे कामदेव की शक्तियां सभी निष्फल हो गई। मैंने उसे इस प्रकार परास्त किया कि अब कभी मेरे समक्ष आने का दुस्साहस ना कर सकेगा। जिस कामदेव के बाण स्वयं शिवजी को भी विचलित कर गए, उस कामदेव को मैंने भली पराजित कर दिया है।
मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। निस्संदेह मेरी भक्ति और तपस्या सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं देवलोक में जाकर सबको अपनी विजय का समाचार सुनाता हूँ। इस विजय वृतांत को सुनकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। आइए देवर्षि, कहिए आज इधर कैसे आगमन हो गया? नारायण नारायण नारायण। दिनों परिसने और कृपा करने वाले तथा कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी, आज मैं आपको एक विचित्र वृतांत सुनाने आया हूँ। विचित्र वृतांत? ऐसा क्या वृतांत है महामुनि? शीघ्र ही कहिए। नारायण नारायण नारायण। हे भगवान, आज हिमगिरी पर एक अनोखी लीला देखने में आई है। अच्छा, ऐसी क्या घटना है? हमें भी सुनाइए। क्या बताऊं प्रभु, वो है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके समक्ष आकर भी अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्णतः पराजित हुआ था। हाँ हाँ, तो क्या कामदेव ने पुनः कोई उत्पात कर डाला है? अरे प्रभु, उसके इस उत्पात को तो कुछ ना पूछिए भगवान। आज अपनी माया से मेरी तपस्या भंग करने के लिए आया था। आपकी तपस्या? इस सृष्टि में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आपकी तपस्या भंग कर सके। यह कामदेव की मूर्खता है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, यदि उसे नारद की तपोशक्ति का ज्ञान होता तो मेरे समस्त आने का दुस्साहस न करता। किंतु प्रभु, मैं तो हिमगिरी पर एक रमणीय स्थल पर श्री हरि के पावन चरणों में तपोलीन था। मेरी तपस्या देखकर लोभी इंद्र पदच्युत होने की आकांक्षा से भयभीत हो गया। तब उसने मेरी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को प्रभु भेजा। कामदेव रंभादि देवांगनाओं के साथ में आकर मेरे तप में विघ्न उपस्थित करने लगा। किंतु प्रभु, हम भी अपने नाम के नारद हैं नारद, हमने भी उसे पराजित करके ही छोड़ा प्रभु। उसका अहंकार भली भांति तोड़ दिया और उसे क्षमा करने का उसे क्षमा करके अभय दान भी दे दिया प्रभु। निसंदेह आपने उस पर अत्यंत कृपा की देवर्षि। और नहीं तो क्या प्रभु, मैं क्रोधित होकर उसका पूर्णतः नाश भी कर सकता था, किंतु उसने दीन वचन कहकर मुझसे क्षमा याचना की, इसलिए मैंने भी उसे क्षमा कर दिया प्रभु। नहीं तो उसका अपराध अक्षम्य था महादेव। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके तपोबल को कौन छीन कर सकता है? आपके परम तेज के समक्ष कौन दृष्टि उठा सकता है? अरे प्रभु, आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, जरा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के दर्शन के पागे विष्णु नारायण जी को भी यह समाचार सुना दूं। हे देवर्षि, जिस प्रकार आपने यह कथा मुझे सुनाई है, श्री नारायण को कदापि मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी इस वृतांत को छुपा लेना, इसी में आपका हित है। अच्छा प्रभु, ठीक है, मैं तो चला। नारायण 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 नारायण। कामदेव पर विजय प्राप्त करूं, इतना बड़ा कार्य किया है मैंने, और अपनी अपनी विजय की कथा किसी को ना सुनाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे कथा सुनानी ही पड़ेगी। अच्छा, मैं तो चला,
पिताश्री के दरबार में। नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नारायण। पिताश्री के चरणों में नारद का कोटि कोटि प्रणाम। चिरंजीव रहो, आओ नारद, कहो चित्त तो प्रसन्न है? हाँ पिताश्री, उन जगत पिताश्री ब्रह्मा से भेंट करने का जिसका मैं दर्शन कर रहा हूँ उसका चित्त तो प्रसन्न होगा ही पिताश्री। बावलता में तुमसे कोई विजय नहीं पा सकता नारद। प्रभु, ये संपूर्ण जगत ही आपके कला निलय के रूप में शोभायमान है। आप तो सबके उत्पन्न करता है, मैं तो केवल आपकी स्तुति कर रहा हूं। अच्छा कहो, आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? इतने दीर्घ अंतराल के पश्चात तुमसे भेंट हो रही है, सब कुशल तो है ना? हाँ पिताश्री, सब कुशल है। मैं तो आपको एक आनंददायक संवाद सुनाने आया हूँ। आनंददायक संवाद? तो फिर विलंब क्यों? शीघ्र ही कहो नारद। पिताश्री, आज मैं तीनों लोकों का विचरण करते हुए हिमगिरी पर जा पहुंचा। वहां एक मनोहर स्थान देखकर मैं श्री नारायण के ध्यान में समाधि लगा बैठा। मुझे ध्यानस्थ देखकर सुरपति इंद्र भयभीत होकर मेरी तपस्या खंडित करने के लिए कामदेव को आज्ञा दे दी। तब कामदेव रंबादी अप्सराओं के साथ में हिमगिरी पर आया और मेरे तप में विघ्न उत्पन्न करने लगा। किंतु पिताश्री, माया के गर्भ से प्रमत्त हो वह ज्ञानी यह भूल गया कि नारद के तपोबल को चुनौती देना असंभव कार्य है। प्रभु, निसंदेह आज तुमने असाध्य कार्य किया है नारद। तुम्हारी तपोशक्ति और भक्ति आदित्य है। तुमने लोभ मोह मायादि सभी विक्रांकों पर विजय प्राप्त कर ली है, तुम धन्य हो। अच्छा पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए, तनिक जरा नारायण जी के दर्शन करके उन्हें भी यह समाचार सुनाऊं। किंतु नारद, श्री महाविष्णु को यह समाचार मत सुनाना, तुम्हारे हित के लिए ही कह रहा हूं। यह वृतांत प्रसंग वश वे ही उन्हें मत सुनाना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे देव, आप भी श्री महादेव जी की तरह मुझे शिक्षा दे रहे हैं। मेरे इस विजय प्रसंग को सुनकर तो लक्ष्मीपति अत्यधिक प्रसन्न होंगे, उन्हें समाचार विदित होना ही चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अच्छा पिताश्री, प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तलवर दीना, एक बार कर तलवर दीना, गावत हरि गुण गान कबीरा। चीर सिंधु गब ने मुनिराया, चीर सिंधु गब ने मुनिराया, जय बस श्री निवास श्रुति गाथा, जय बस श्री निवास श्रुति गाथा।
गजमन नारायण 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 गजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण योगेश्वर नारद जी बहुत दिनों में कृपा की, आइए आसन ग्रहण कीजिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आप अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु हैं। हे दयाल, आप तो करुणा का सागर हैं। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ रमापति। कहिए मुनिवर, सब प्रकार कुशल तो है। हे वेद शिरोमणि चराचर के स्वामी, आज मैं आपको एक विशेष समाचार सुनाने आया हूं। भगवान, अपने भक्ति के कार्य पर आपको गर्व होगा। वो कामदेव है ना, कामदेव, कामना का दास कामदेव, उसे आज मैंने प्रभु आपके आशीर्वाद से पराजित कर दिया है प्रभु। अच्छा, तो शीघ्र ही सारा वृतांत सुनाइए। हे प्रभु, मैं अपनी महती वीणा के स्वरों पर आपके यशगान करता हुआ तीनों लोकों का परिभ्रमण करते हुए हिमगिरी पर चला गया और वहां की मनोहर छटा से मुग्ध होकर आपकी तपस्या में लीन हो गया। मेरी तपस्या देखकर सुरपति इंद्र का सिंहासन डोलने लगा प्रभु, और भयभीत होकर उसने कामदेव को मेरा तप खंडित करने की आज्ञा दी। सुरपति की आज्ञा पाकर कामदेव रंभादी आदि अप्सराओं को साथ लेकर के अपने माया के गर्भ से उन्मत्त होकर के हिमगिरी पर आया और प्रभु मेरे तप में विघ्न उत्पन्न करने लगा। यह देवेंद्र की भूल है देवर्षि, इंद्रदेव की आशंका निर्मूल है। आप तो कर्मवीर हैं, निष्काम भाव से मेरी तपस्या में लीन रहते हैं। यही तो मेरा भी तात्पर्य है प्रभु। इंद्रासन से हम जैसे ऋषियों का क्या प्रयोजन प्रभु? कामदेव ने समझा होगा कि मैं उसकी माया के अधीन हो जाऊंगा, किंतु जब उसने मुझे तपस्या में लीन पाया तो अधीनता के साथ मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा प्रभु। और मैंने भी प्रभु, जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव होता है, उसे क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी प्रभु। इस प्रकार प्रभु आपके आशीर्वाद से मैंने कामदेव को अपने अधीन करके ही छोड़ा प्रभु। आपकी तपोशक्ति शाश्वत रहे, आपका कल्याण हो महामुनि। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो चला। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान हो। नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण। नारद जी के हृदय में अहंकार रूपी विशाल वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है। सो हे लक्ष्मी, तुम शीघ्र ही एक माया नगरी को उत्पन्न करो। हे नाथ, जैसी आज्ञा। Thank you.
मेरी पति निज माया तब तेरी। श्री पति निज माया तब अगणित है गय तेन समाजा, अगणित है गय तेन समाजा, सत सुरेशा समझ जाव खिलासा, रूप तेज बल रीत देवर्षि नारद जी के चरणों में शील निधि का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण महर्षि जी, आपने इस मंगल मुहूर्त में पधार कर मुझ पर अति कृपा की है। आपकी इस कृपा से मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। राजन, भ्रमण करते हुए मैंने आपकी सुंदर नगरी को देखा और कौतूहल वश आपसे भेंट करने चला आया। निस्संदेह संपूर्ण संपदाओं से युक्त ये नगरी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। यहां आकर हमें अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। हे महर्षि, आपके मधुर वचन सुनकर मैं कृतार्थ हुआ। आज मेरी कन्या का स्वयंवर है, कृपया कर उसका हाथ देखने की कृपा करें। अच्छा, आओ पुत्री। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी।
तासुलचन बिलोक भुलाने हृदय हरस नहीं प्रकृति बखान। अच्छा राजन, हम चलते हैं, आपकी कन्या के शुभ लक्षण है और ये जिसे भी प्राप्त करेगी वो हर लोक में विजयी होगा। अच्छा हम चलते हैं, प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव, नारायण नारायण नारायण। ये कन्या रूप और सौंदर्य के साथ साथ विलक्षण प्रतिभा की धनी है। इसके हाथ की रेखाएं इसके अद्भुत सौभाग्य को प्रकट कर रही है। इस सुलक्षणा का पति विश्व में प्रतिष्ठापूर्ण पद प्राप्त करेगा, युद्ध में सबको पराजित और युद्ध जीत के लाएगा। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से इस कन्या का वरण करना होगा और संसार में अमर पद को प्राप्त करूंगा। जाने में तो विलंब होगा, प्रभु को यही बुला लेता हूं। नारायण 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 नारायण। शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विरविद्यानगम्यम वंदे विष्णु भव्यहरणम सर्वलोकेनाथम। कारण है? प्रणाम प्रभु। आज मुझे किस लिए स्मरण किया है देवर्षि? हे कृपा निधान, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आज मैं अपने मन की दशा को आपको कैसे बताऊं प्रभु? मुझे तो लज्जा भी आ रही है, किंतु कहे बिना मैं रह भी नहीं पाऊंगा प्रभु। क्या करूं, ऐसे कहूं प्रभु? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? अरे प्रभु क्या कहूं, संकोच हो रहा है। आज मैं भ्रमण करते करते एक नगरी में चला गया। वहां के राजा की सौंदर्यवान कन्या का अभी कुछ समय पश्चात ही स्वयंवर होने वाला है प्रभु। उस राजकुमारी को देखकर हाँ हाँ कहो, क्या बताऊं प्रभु। उस राजकुमारी को देखकर आपके इस भक्त के मन में उससे विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है प्रभु। इसलिए है प्रभु, आप अपना हरि का स्वरूप अगर आप देना चाहें तो उस समय के लिए मुझे प्रदान कर दीजिए प्रभु, जिससे वो राजकन्या मेरे रूप पे मोहित होकर शीघ्र ही मेरा वरण कर ले। इतनी कृपा कर दीजिए प्रभु, बस बस इतनी सी कृपा कर दीजिए प्रभु बस। मुझे हर समय आपका हित प्रिय है, जिस उपाय से भी आपका परम हित होगा मैं वो ही उपाय करूंगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं है, जिस प्रकार वैद्य मांगने पर भी रोगी को उसके उपचार के विपरीत औषधि नहीं देता,
उसी प्रकार ये योगी मुनि, मैंने आपका हित विचारा है। मुझे स्वयं आपसे अधिक आपकी चिंता है। मैं आपका अनहित कदापि न होने दूंगा। धन्य हो कृपा निधान, आप धन्य हो, आप धन्य हो कृपा निधान, आप धन्य हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज तो श्री हरि के, श्री हरि का रूप मुझे मिल गया। अब मैं शीघ्र ही स्वयंवर भवन में जाकर उस अनुपम सुंदरी से अपने कंठ में जयमाल डलवाऊंगा। नारायण 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 नारायण। चली जनुराज मरा
देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय मां। हरि के रूप में कोई आकर्षण नहीं है? अरे मुझ पर हंसने वाले मूर्खों, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लोगे। मेरी हंसी उड़ाकर तुमने जो अधर्म किया है उसका फल भोगो। मेरा हित करने वाले नारायण, तुमने मेरा विश्वास भंग किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा, अवश्य शाप दूंगा, अथवा अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मेरे साथ में इतना छल प्रपंच किया है, मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
देखता हूँ कहीं तो मिलेंगे मुझे। ठहर, दीन रक्षक और भक्त वत्सल कहलाने वाले पाखंडी ठहर। दूसरों की आशाओं पर पानी फेर कर अपनी कीर्ति को उज्जवल करने वाले स्वार्थी ठहर। यही है तुम्हारा आदर, यही है तुम्हारी उदारता, यही है तुम्हारी भक्ति का फल। रूप मांगा हरि का और दे दिया बानर का। नहीं नहीं, अब तुम भगवान नहीं, अब तुम भगवान नहीं महाद्रोही हो। अब तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है, तुम्हारा हृदय पाखंड से भर गया है। नहीं तो मेरी याचना का इस प्रकार अनादर नहीं करते, मेरी याचना का इस प्रकार अनादर नहीं करते। हे मुनिदेव, इतने अशांत ना होइए। विश्वासघाती, तुमने संसार में मुझे अपयश का भागी बनाया है। मेरे साथ छल प्रपंच का नाटक करके मेरा अपमान किया है। तुम जैसा षड्यंत्रकारी इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। तुम्ही ने समुद्र मंथन के समय महादेव को विष पिलाया, असुरों को मद्रा प्रदान की, समुद्र से निकलने वाली लक्ष्मी को और कौस्तुभ मणि को तुमने स्वयं रख लिया। तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले कुटिल हो, तुम छली हो। तुम स्वतंत्र रहकर इच्छा अनुसार विषादपूर्ण कार्य करते हो, सबको माया द्वारा वश में करके उनकी परीक्षा लेते हो, अधर्म पूर्ण कार्य करके अपने आप को धर्मवान कहते हो। शांत देवर्षि, शांत शांत, मेरे हृदय में क्रोधाग्नि बढ़ाकर अब मुझे शांत करते हो। अब मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता, मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता। अब मैं इस अपमान का प्रतिकार अवश्य लूंगा, दूंगा, अवश्य शाप दूंगा। लो सुनो, तुम मृत्यु लोक में जन्म लेकर महादुख पाओगे। जो माना रूप घृणा की दृष्टि से देखकर तुमने मुझे प्रदान किया है, उन्हीं बाणों से सहायता मांगोगे। तुमने माया मोहित करके मुझे स्त्री के भय में तड़पाया है, इसलिए तुम भी स्त्री के वियोग में बन बन भटकते फिरोगे, दुस्तर पर्वतों में ठोकरे खाते फिरोगे। जब निराशा के मेघ तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, तब तुम्हारी सहायता यही बानर करेंगे। हे देवर्षि, आपका शाप मुझे श्रोधार्य है। आप तो त्रिकाल वेदी हैं, धर्मभान और महातपस्वी हैं, अतः हृदय की विकलता को शांत कीजिए, शांत कीजिए हृदय की विकलता को, शांत कीजिए। जब हरी माया दूर निवारी, नहीं तेरा माना राजकुमार है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कैसा पाप कर डाला। मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों उत्पन्न हो गई, मेरे मन में वैसे विचार क्यों प्रकट हो गए। क्षमा क्षमा है कृपा निदान, क्षमा मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। व्याकुल ना होइए, शांति कीजिए। हे प्रभु, क्रोध में अंधे होकर मैंने ये दुष्कर्म कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा शाप निष्फल कर दीजिए प्रभु, मेरा विचार मिथ्या कर दीजिए। मुनिवर, धैर्य धारण कीजिए, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, यह सारी माया मैंने अपने हित के लिए और विश्व के कल्याण के लिए रचाई थी। ना आपसे कोई अपराध हुआ है,
और ना कोई पाप हुआ है, इसलिए मन की ग्लानि को त्याग दीजिए, हृदय को कलुषित मत करिए। हे मुनि देव, अपने हृदय के कलेश को शांत करने के लिए श्री महादेव के शतनाम का निरंतर जाप कीजिए। शिव जी मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं, वह दयालु और कृपालु हैं, अतः उनके पावन श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपका कल्याण होगा। हे श्री हरि, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोलकर मुझे मोह रहित करके मेरा महा उपकार किया है। हे देव, रजोगुण संपन्न श्री ब्रह्मदेव द्वारा सृजित इस सृष्टि के आप ही स्थिति कारक हैं। आप विश्व का पोषण करने वाले श्री नारायण हैं। आपका अनुग्रह पाकर मैं धन्य हुआ सर्वेश्वर, मैं धन्य हुआ। आपका कल्याण हो। अच्छा, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान हो। नारायण नारायण नारायण। बजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण। लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का ईष्ट देव, दानव धनुष और दैत्यों का स्वामी, यक्ष गंधर्व और दिक्पालों का महिपाल, काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है, इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ क्या कार है, बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, विष्णु खड़ा रहता है, विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर, अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, वही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। हम ब्रह्मास्मि, ना भूतो ना भविष्यति, जय शंकर। सेब को सेव को जाओ, और जो कोई भी साधु तुम्हें यज्ञ करते हुए मिले तो उसकी हत्या कर दो। कर लो, कर न मिले तो रक्त लो। जय शंकर।
लाओ कर लाओ नहीं तो रख लाओ। कर लाओ नहीं तो रख लाओ। ये क्या लगा रखा है तुम्हें पता नहीं है ये क्या? कि लंकेश के राज में केवल लंकेश का ही नाम चलेगा। लाओ कर लाओ, यदि कर नहीं है तो अपना रक्त लाओ। जय शंकर।